बांग्लादेश जो 1971 के अंदर आजाद हुआ बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 30 अरब डॉलर से ज्यादा हैं और पाकिस्तान के करंट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने थर्सडे को जो रिपोर्ट डाटा रिलीज किया है उसके हिसाब से 3.7 बिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गए हैं असलमकुम अपना, अपना रा के मुन आसिन ऐशक ऋषा भाई बलो आसन अपना देखते सन जुने तलियो ऑफिशियल अमी अपना दर जुनू वीडियो प्ले करते जच ची शो भाई देखमिन ऐशाकुरेश भाई देखमिन बलो लगभे आई बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला किया जाए तो बांग्लादेश हमेशा पाकिस्तान से आगे नज़र आ रहा है क्योंकि बांग्लादेश ने इन 10 सालों में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका और 10 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है लेकिन फिर भी कुछ मीडिया के एनालिस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला देखते हैं तो आज एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुआशी अदाद शुमार देखे जा रहे हैं तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बने बेल बेलाइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी है फरीद पाकिस्तान में फिर पेट्रोल की प्राइस पैंतीस रुपए बढ़ा दी गई है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी देखते हुए मैंने सोचा कि हम लोग पाकिस्तान का इकोनॉमिक एनालिसिस करें किसी और मुल्क के साथ चाहे वो हमसाया मुल्क हो पहले मैंने सोचा इंडिया के साथ करें लेकिन जब मैंने देखा कि इंडिया तो खैर बहुत आगे चला गया और हमने इकट्ठे आज़ादी जो है वो ली थी नाइनटीन में फिर मैंने कहा कि उस मुल्क के साथ इकोनॉमिक कंपेरिजन क्यों ना किया जाए जिसने हमसे आज़ादी ली थी बांग्लादेश जो 1971 के अंदर आज़ाद हुआ अगर पाकिस्तान की बात की जाए और इंडिया के कंपैरिजन की बात की जाए तो 1990 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन बनता था हम लोगों की जीडीपी रेट भी मोरलेस जो है वो सेम था पर कैपिटा इनकम भी तकरीबन सेम थी लेकिन उसके बाद और दोनों ही जो है वो साउथ एशिया के अंदर कंसिडर हो रहे थे कि ये एक बहुत बड़े इकनॉमिक फोर्स बनेंगे और पाकिस्तान एशिया टाइगर भी का लकअब भी पाकिस्तान को मिला हुआ है लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों की डिटेरिएशन जो है वो बढ़ती गई पिछले सत्तर सालों में हम लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को उस पॉइंट पे ले आए कि अब पाकिस्तान जो है वो बैंक के करीब है तो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ फैक्शन फिगर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं जो वर्ल्ड बैंक के स्टार्ट हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वील ऑक के अंदर सबसे पहले देखिए अगर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स की मैं बात करूं तो बांग्लादेश टेक्सटाइल लेदर हाइड एंड टैनिंग के अंदर फ्रोजन फूड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेजर एक्सपोर्ट्स हैं जिसके अंदर बांग्लादेश जो है वो स्पेशलाइज करता है और बांग्लादेश इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट पैरल एक्सपोर्टर दुनिया का और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं उसमें टेक्सटाइल है लेदर गुड्स हैं स्पोर्ट्स गुड्स हैं केमिकल्स हैं कापेड्स हैं रग्स हैं पेरिशेबल आइटम्स में राइस की हमारी बहुत एक्सपोर्ट है शुगर है कॉटन है फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं तो अगर देखा जाए पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था मैं 2021 की बात करूंगा पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 2021 में 6 परसेंट था और बांग्लादेश का भी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 21 परसेंट था 2023 में आज के दिन पाकिस्तान का जो वर्ल्ड बैंक ने एड्लांस जो देते हैं स्टैट्स उसके मुताबिक जो उन्होंने अज्यूम किया है प्रडिक्ट है वो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 3.5% परसेंट है 2023 में और बांग्लादेश का 2023 के अंदर 6% फीसद के ऊपर ही खड़ा हुआ है और जी डी पी में आपको बताता जाऊं जीडीपी डी इज बेसिकली टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ योर गुड्स प्रोड्यूस जो भी आप चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान के अंदर चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो सेकेंडरी हो टर्जरी हो या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो जो वो सेल होते हैं उसको जो है वो आप जी के साथ मर्ज uh, करते हो कितना बेहतर जो है वो मुल्क परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू समीवन लेकिन जी डी पी इज नॉट द्राइटेरिया पता चले कि एक मुल्क अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं। वो दूसरे indicators भी दीगर होते हैं जिनको देखा जाता है के के परफॉर्मेंस कैसी है तो अब बात करते हैं पर कैपिटल इनकम की मैं आपको यह बताता चलू पर कैपिटल इनकम जो है वो टोटल जो आपकी पॉपुलेशन होती है उसकी जो अर्निंग होती है उसको हम जो है वो फॉर इंस्टेंस टोटल इनकम ऑफ दी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के साथ फॉर इंस्टेंस के जी पचास लाख रुपया पूरे पाकिस्तान की इनकम है और फर्ज किया एग्जाम्पल दे रहा हूं पचास हजार बंदे जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं तो जब पचास लाख को पचास हजार से आप डिवाइड करेंगे तो पांच सौ रुपया जो है वो आपकी पर कैपिटा इनकम होगी पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 23 करोड़ आबादी वाले शहर मैंने आपको बता दिए हैं कि हम लोगों की एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम जो वर्ल्ड बैंक ने स्टैट्स दिए हैं पाकिस्तान की है 1530 डॉलर और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है वो है पच्चीस डॉलर साठ ज़्यादा है पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम से बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम और पाकिस्तान का जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट था 2021 में रिजीम चेंज से पहले वो था नौ अशारिया पचास फीसद अब जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो डेली चेंज हो रहा है पहली बात तो ये है तो जो करंट इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 24.5 परसेंट जब ये वीडियो शायद अपलोड हो तो शायद इन्फ्लेशन रेट और बढ़ गया वाह हो और बांग्लादेश का एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 9 परसेंट के ऊपर ही है 2021 में भी 9 परसेंट था और 2023 में भी 9 परसेंट है मैं ये बात कर रहा हूं कि कोविड के दिनों में भी पाकिस्तान ने अपने इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल रखा अपनी जीडीपी ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल रखा और उसके बाद जब पूरी मार्केट ओपन हो गई सारी मार्केट्स ओपन हो गई एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज ओपन हो गई इंपोर्ट इंडस्ट्रीज ओपन हो, इंपोर इंडस्ट्री हो गई उसके बाद आपका जो है वो इन्फ्लेशन रेट किधर पहुंच गया आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट किधर आ गई साढ़े तीन परसेंट के ऊपर 2023 में आपकी जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट पहुंच गई अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 30 अरब डॉलर से ज्यादा हैं और पाकिस्तान के करंट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने थर्सडे को जो रिपोर्ट डाटा रिलीज की है उसके हिसाब से 3.7 बिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गए हैं इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नेसेसिटी और बेसिक कमोडिटी है आपको याद होगा कि अभी पूरे पाकिस्तान में एक दिन जो है वो शॉर्टफॉल हुआ था बिजली का कि पूरे पाकिस्तान में बिजली नहीं थी बांग्लादेश में 96 परसेंट जो लोग हैं उनका उनके पास एक्सेस है बिजली की और पाकिस्तान के अंदर जो है वो 75 परसेंट लोगों के पास एक्सेस है बिजली की आप ये देख लें उन्नीस सौ में जो बन जो मुल्क आज़ाद हुआ है उसके अंदर 96 परसेंट की एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी और पाकिस्तान की 75 परसेंट है सत्तर सालों में हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंशन नहीं कर सके कि एटलीस्ट नाइनटीन नाइनटी फाइव नाइन्टी परसेंट के ऊपर हम ले जाएं कि तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस हो उसके बाद जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि और भी दीगर इंडिकेटर्स होते हैं उनको देख के पता चलता है कि मुल्क कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टैट्स उनके शाया करता है कि कौन सा मुल्क किस स्टैंडिंग के ऊपर है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं हेल्दी लाइफ मतलब कि आपका हेल्थ फैक्टर किधर है उसके बाद नॉलेज फैक्टर के आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें कितने ग्रेजुएट्स हैं कितने मैट्रिक किए कितने ओए लेवल्स कर रहे हैं उसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि एक आम आदमी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जा रही है नीचे जा रही है <coughs> तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बांग्लादेश हमारे से आगे है जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2021 से 2022 की रिपोर्ट छाया की थी उसके अंदर बांग्लादेश वन नंबर के ऊपर है और पाकिस्तान जो है वो वन नंबर पे है आउट ऑफ वन कंट्री तो जी वी भाई ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह बांग्लादेश ने तरक्की की और किस तरह पाकिस्तान को जीडीपी पर कैपिटा में जीडीपी में और इन तमाम शोबों में किस तरह पीछे किया आज अगर ग्रोथ की बात की जाए तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट आज भी बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कम है आज भी जब भी बांग्लादेश से पाकिस्तान का मुकाबला किया जाता है तो हमें शर्म आनी चाहिए कि बांग्लादेश हमसे पच्चीस साल बाद हमसे अलहदा हुआ और बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कम थी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी और उसके बावजूद पाकिस्तान आगे ना बढ़ सका पाकिस्तान के अंदर करप्शन ने जड़ें मज़बूत की और बांग्लादेश के अंदर करप्शन को ख़त्म किया गया पाकिस्तान के अंदर इदारों ने इन्वॉलमेंट शुरू कर दी जमूरीत के अंदर और बांग्लादेश ने अपने इदारों को अपनी हदूद में रह कर काम करने की तलकीद की अपनी हदूद में रहने का कहा उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई वाक़ हुए जिसने पाकिस्तान के अंदर मैशत को बड़ी कड़े झटके दिए और उसके मुकाबले में बांग्लादेश के अंदर मैशत को मजबूत बनाने के लिए इकदाम उठाए गए बिजनेस को रिलीफ दिया गया बिजली के अंदर उसके बाद टैक्सीज के अंदर और पाकिस्तान के अंदर टैक्सीज के अंदर छूट नहीं दी गई बिजली की लोड शेडिंग बढ़ाई गई और पाकिस्तान के अंदर बिलों के अंदर इजाफा किया गया जिससे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री थी वो अपनी इंडस्ट्री बंद करके बांग्लादेश मुंतकिल करना शुरू कर दिया जिसके बाद पाकिस्तान कहाँ पहुंच चुका और आज बांग्लादेश कहाँ पहुंच चुका है वो सब आपके सामने है तो ये थी आज की वीडियो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा बहुत शुक्रिया